हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपको ले जाती हूँ जीआईपी मॉल। जो नोएडा से हैं वो जानते होंगे जीआईपी मॉल कहाँ है। तो चलिए लेके जाते हैं आपको, आज मॉल घुमा के लेके आते हैं। तो फ्रेंड, हम मॉल के आस पास आ चुके हैं। देखिए लिखा है द गेट नियर पैलेस मॉल। यहाँ पर 8 नंबर गेट से एंट्री करेंगे इसमें। फ्रेंड, एंट्री हमने कर ली है, अब मैं जा रही हूँ मॉल के अंदर। और फ्रेंड, धूप काफ़ी तेज़ है, आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल दिन में आई हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ बहुत सिक्योरिटी से हमें जाने दिया। पहले हमारा टेम्परेचर चेक किया, सैनिटाइज वगैरह करके उसके अंदर हमें एंट्री हुई। तो मैं मॉल के अंदर आ गई हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मॉल कितना खाली है, आप देख सकते हैं कितने कम लोग हैं। और प्रॉपर सा मास्क लगाए हुए हैं तरीके से, वरना ये मॉल में बहुत भीड़ रहती थी हम जब कभी भी आते थे। देखिए सर, शॉप्स भी खाली हैं, ये ग्लोबस है आप देख सकते हैं। और सब शॉप्स भी खाली हैं, बहुत ही कम लोग हैं। फ्रेंड, मैं भी अभी यहाँ 7 से 8 महीने बाद आई हूँ मॉल में। थोड़ा सा जरूरी काम से चक्कर में मुझे आना पड़ा, मैं आपको बताऊँगी मुझे क्यों आना पड़ा। देख सकते हैं आप, सारे शॉप्स खाली हैं। मुझे लगा नहीं था कि इतना कुछ खाली होगा, पर थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ देख के कि कोई भी नहीं है। और शॉप में ना हम गए, अंदर इतना सामान भी नहीं था, मतलब जो माल था वो भी इतना नया नहीं था। यानी वो दिवाली आने वाली, तब भी इतना कुछ नहीं था शॉप पे। फ्रेंड, हम लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। पर फ्रेंड, लिफ्ट भी बंद थी क्योंकि इसमें भीड़ होती है, इसलिए लिफ्ट बंद कर रखी थी। तो हम ढूंढ रहे हैं जाने के लिए एक्सीलेटर, तो हम जाएंगे। अब देखिए, अब ये बने हैं प्लस के, सॉरी, ये लाइट के स्थान बने हुए हैं, तो इतना गैप होके चलना है। इस लाइट बना दी है कि इतनी दूरी होनी चाहिए एक्सीलेटर में भी। तो हमारी एंट्री हो गई है बिग बाजार में, अब जीआईपी के। देख सकते हैं बिग बाजार खाली है। और फ्रेंड, मुझे मैं बिल्कुल भी नहीं आती, पर एक रीज़न था, उस चक्कर मुझे आना पड़ा, वरना मैं शॉपिंग ऑनलाइन ही करती हूँ। देखिए सब कुछ खाली है, अब देख सकते हैं सारी ग्रोसरी है, ये सब कुछ खाली है। यहाँ किसी ज़माने बहुत सारी ग्रोसरी लगी होती थी। अगर आप लोग जीआईपी मॉल आए हैं नोएडा से हैं, तो देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, टोटली खाली है। ग्रोसरी बिल्कुल ही खाली है, वो मैं देख रही थी, कुछ भी नहीं है। मैं ट्रे देख रही हूँ, ये 90 रुपीज की थी। इसका दूसरा कलर है। यहाँ कुछ बोतलें लगी हैं, बस सामान देखिए आप, कुल ग्रोसरी का ये वो है, सेक्शन बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं सोचा मैं कुछ ले लूँ, पर तो ना रेट भी इतनी महंगी कर दी है, मतलब पहले से थोड़ा सा ज़्यादा रेट भी कर दी। मुझे लगा ऐसे, पहले भी शॉपिंग करती थी बिग बाजार से, पर मुझे थोड़ा रेट ज़्यादा लगी मुझे इस बार। और फ्रेंड, अगर नोएडा से हैं, अगर जयवी मॉल गए हैं, तो आपको कैसा लगा वहाँ का, आप भी बता सकते हैं मुझे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा,
जो मैं कुछ खरीदने गई थी मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये सब पहले वाले आइटम ही, कुछ भी नया नहीं ऐड किया है, देख सकते हैं आप। उस कैंडल्स लगी हैं, ये पिलो कवर लगे हुए हैं, ये सेक्शन है, बिक्सी बड़ा मिलती है यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ मैं आ गई हूँ एबीबी में, तो यहाँ मैं कुछ बेड शीट देख रही हूँ कि अच्छी मिल जाए, बेड शीट मिल जाए मुझे अच्छी कुछ क्वालिटी की दिवाली के लिए। पर मुझे कोई भी थी समझ में नहीं आ रही थी, मैं सोच तो रही थी लूँ, पर मैं इतना मुझे कोई एकदम से अच्छा नहीं लगा, दिवाली के हिसाब से नहीं लगी मुझे, ये सारे पुरानी बेडशीट थी। अब मैं अंदर आ गई हूँ एबीबी के, ये बिग बाज़ार के अंदर ही है। तो यहाँ फ्रेंड देखिए, ये जेंट्स कुर्ते टंगे हुए हैं, ये भी पहले के नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, जो हम आए थे 8 महीने पहले सेम वही डिज़ाइन है, वही सेम है, कुछ भी नया नहीं है दिवाली के हिसाब से। तो वही मैं चेक कर रही थी मैं क्या लूँ। तो फ्रेंड देखिए ये मैं आ गई हूँ अपने सेक्शन में अब, तो ये कुछ पैंट हैं, तो मैं देख रही हूँ कि इसमें से क्या देखूँ मैं। अब ये कुछ टॉप लगे हैं, ये नॉर्मल टॉप वगैरह लगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ मैं दिवाली पहन सकूँ इसमें से कुछ, नॉर्मल कुर्तियाँ हैं। तो फ्रेंड मैंने क्या लिया मैं शेयर करूँगी आपके साथ घर जाकर। ये भी कुछ टॉप हैं इस तरीके से, अभी समर वाला कलेक्शन नहीं है, विंटर वाला तो बिल्कुल भी नहीं आया है, टोटली समर वाला कलेक्शन ही था। जी मैंने कुछ कुर्ती देखी थी, मैं सोचा ले लूँ मैं कुर्ती, मुझे अच्छी भी लगी, तो मैं सोचा कि अब तो बस ठंड भी ठंड आने वाली है, तो फिर मैंने कि गर्मी में लेंगे और मुझे कॉटन का अच्छा कलेक्शन आ जाएगा गर्मी में, तो फिर मेरी इच्छा नहीं करी लेने की। मैं देखा, मैं सोचा अब सर्दी आने वाली है, जब आने वाली फिर मार्च में अच्छा कलेक्शन आ ही जाएगा और अच्छा, तो मैं ले लूँगी। तो फिर मैं चेक तो करी, फिर मेरे को फिर इतना समझ में नहीं आई लगाने के बाद। आते हैं स्टोर 99, जो जीआईपी वाले हैं, जो नोएडा वाले हैं, वो जीआईपी में देखा हुआ, थर्ड फ्लोर पे है। तो मैं कुछ 99 में ले लूँ, तो यहाँ कुछ लैम्प वगैरह भी थी इस तरीके से, होम डेकोर के काफ़ी अच्छे आइटम हैं, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं 99 में आ सकते हैं आप, कि होम डेकोर के मुझे काफ़ी आइटम सही लगे और रेट भी सही थी यहाँ पे। तो इस तरीके से देखो ये बल्ब वाला भी आया है होम डेकोर का, अच्छा लग रहा था काफ़ी। हम देखिए कितनी भी कम भीड़ है। तो मैं ऐसे कुछ चेक कर रही हूँ छोटा मोटा सामान, ये ट्रे ले ली है, मोल्ड ले लिए हैं चॉकलेट के, ज़्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखिए अब ये लगे हुए हैं शो पीस से,
एंड मैं आ गई हूँ मॉल से और मुझे आए 2 घंटे हो गए हैं। बस मैंने फ्रेश हुई, मैं कपड़े चेंज की होगी, आजकल बाहर जाना वहां के आना, फिर सैनिटाइज करना और फिर आके कपड़े चेंज करना, नहाना, उसके बाद अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि अपनी शॉपिंग आपके शेयर कर दूं मैं कि मैं क्या लाई हूँ। तो फ्रेंड मैं ज्यादा कुछ लाई नहीं क्योंकि ज्यादा कुछ मिला ही नहीं। मैं गई थी कि थोड़ा सा दिवाली आने वाली, थोड़ी कुछ शॉपिंग कर लेंगे जी ना, हमारा जो बिग बाजार का हम जो कार्ड है वो बनवाते हैं, वैसे मैं नहीं भी जाती, तो उसकी ना डेट नवंबर लास्ट तक है, तो मैं सोचा शॉपिंग कर लेंगे कुछ, क्योंकि वो ना फिर खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पैसे भी बेकार हो जाएंगे, फिर तो मैं कुछ शॉपिंग कर लाऊंगी मैं बिग बाजार से। तो देखा वहाँ बिग बाजार बिल्कुल खाली पड़ा था, आपने वीडियो में देखा भी होगा, कुछ भी नहीं था, और जो था भी ना मतलब बहुत पुराना था, मतलब कुछ भी नया इस तरीके से नहीं आया था कि कुछ भी नया माल आया हो कि हम कुछ शॉपिंग कर पाए, तो कुछ भी शॉपिंग नहीं की, बस ऐसे ही घूम फिर के आ गए हम। पर छोटी मोटी शॉपिंग की हमें, अब आए तो कुछ तो कर लें, ये इतने दिन बाद निकले हैं, पिछले 7 महीने बाद अब गए थे मॉल, और बिल्कुल ना थोड़ा सा जाने में डर तो लग रहा था थोड़ा सा, बाकी पूरा सिक्योरिटी से कर रहे थे, वो पूरा चेक कर रहे थे, बाकी पूरा सैनिटाइजर वगैरह करके पूरा, मतलब पूरा सिक्योरिटी से ही जा रहे थे, तब भी डर तो लगता ही है। तो मैं गई बस जाके, मैंने बिग बाजार में एंट्री की तो मेरा मूड खराब, क्योंकि मैंने कि अभी हमारे वो पैसे भी कुछ फायदा नहीं हुआ, हम गए भी हमारे पैसे भी कुछ लिया ही, तो वो पैसे हैं जो हैं मतलब वो बेकार ही जाएंगे अब, क्योंकि वो नवंबर तक हमारा वो खराब हो जाएगा। तो दिखाती हूँ मैं क्या शॉपिंग की है, तो शॉपिंग की नहीं है पर छोटी मोटी की है, तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है कि मैं जो लाई हूँ शेयर ही कर दूँ आपके साथ। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या लाई हूँ। तो फ्रेंड ये मैं पहले लाई हूँ एक फ्लावर पॉट है, देखिए आप, ये बड़ा मुझे क्यूट सा लगा ना, ये येलो फूल है, थोड़ा सा ना कमरे में एक अच्छा सा लुक लगता है इसका। और ये मैं लाई हूँ, ये आया है 100 रुपीज का आया है, तो ये मैं लाई हूँ स्टोर 99 है ना, जो जीआईपी में जो जाते हैं जीआईपी नोएडा से, वो जानते ही होंगे, तो ये मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने चलो कुछ तो आए कुछ तो ले ही लें, तो ये मैंने लिया है क्यूट सा प्यारा सा, तो उसको मैं कहीं ना कहीं सजाई लूंगी। ये लिया है मैंने एक, और फ्रेंड ये मैंने लिए हैं 2 चॉकलेट मोल्ड, एक दिखाती हूँ, ये मैंने लिए हैं 2 चॉकलेट मोल्ड, ये सिलिकॉन के बने होते हैं और चॉकलेट बनाने के लिए काफी अच्छे हैं, तो एक्चुअली मेरे थे भी नहीं ये, तो मेरे प्लास्टिक वाले थे, मेरे सिलिकॉन वाले नहीं थे। मैं सोच रही हूँ अपन कुछ चॉकलेट मैं शेयर करूँ, दिवाली आने वाली है तो हम बाहर से मिठाई लेकिन नहीं खाएंगे, तो घर में चॉकलेट वाला बना के खा लेंगे, कुछ बच्चों को भी अच्छा लगेगा, तो मैं बनाऊंगी चॉकलेट, तो मैं लाई हूँ 2 सिलिकॉन मोल्ड। ये मुझे पड़ा है 99 रुपीज का, तो इस तरीके 2 लाई हूँ मैं, ये भी मैं लाई हूँ 99 से लेके आई हूँ, तो ये मैं ले आई, मैंने चलो ले लेते हैं कुछ। एक मैं लाई हूँ ये प्लेट, पर अच्छा लगता है ना पत्ते वाला, इसमें ना अपन इडली बनाते हैं डोसे बनाते हैं तो आराम से खा सकते हैं, डोसा तो इसमें नहीं आएगा वो छोटी है, इडली बनाकर इडली में सजाएं तो बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छी लगी काफी, ये देखिए आप बहुत क्यूट सी लगी, ये मुझे पड़ी है 49 रुपीज की, कैसी लगी आपको। और फ्रेंड मैं एक लाई हूँ ये बाउल, ये नॉर्मल जो बाउल होता है ये वाइट कलर का है, ये प्राइस मुझे 79 रुपीज का, और ये मुझे अच्छा लगा है सर, कभी हम उसको बनाते हैं सर्व करते हैं, सर मैं बाइट नहीं था मेरे पास, सर स्टील वाले हैं, इस तरीके का बैग भी नहीं था मेरे पे, तो मैं चलो लेते हैं कुछ बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं पनीर वनीर की, तो थोड़ा अच्छा लगता है ये, आप लोगों को कैसा लगा। और फ्रेंड एक मिलाई हुई ब्लैक प्लेट, ये पड़ी है मुझे 59 रुपीज की, तो ये मुझे अच्छी लगी, अभी कुछ बनाते हैं हम तो इसमें ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, जैसे कभी बर्फी बनाई हमने बाइट वाली, बाइट अच्छी लगेगी इस ब्लैक पे ना, तो ये मैं लिया ही, मैंने ये चुना है तो कुछ लो कि ना शॉपिंग करने हम निकले 4 महीने बाद, और शॉपिंग करने का उसके ऊपर से कुछ नहीं हो, और मतलब मॉल में भी शॉप खुली थी, मतलब उनको कुछ माल ही नहीं था, मतलब ऐसा था कि कुछ भी पुराना सा है ना, कुछ भी नया नहीं लगा मेरे को। मैंने यहाँ का तो हाल है जीआईपी का, आप लोग यहाँ कहाँ रहते हैं और कहाँ के वहाँ के मॉल का क्या हाल है, अभी हम शेयर कर सकते हैं कमेंट में, पर यहाँ का तो जेबी मॉल का यही हाल है जो मैं आज गई हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। और ये मैंने ली है ट्रे, ये भी क्यूट सी है, छोटी सी अच्छी लगी मेरे को, पर सोचा ये बेस है ना बड़ा अच्छा सा लगा मेरे को इसका, ये मुझे पड़ी है, ये पड़ी है 99 रुपीज की पड़ी है, तो ऐसे में ट्रे थी नहीं तो कभी ना, फिर मैं पानी वानी सर्व करने के लिए या फिर चाय वाय के लिए, अच्छी छोटी सी है अच्छी लगी मेरे, तो ये है। और ये मैं आपसे क्या शेयर करूँ, ये किचन स्टॉल है, ये ना बड़ा सही लगा, एक किस्म का एक फ्री मिला मुझे, तो ये किचन में बड़ा यूजफुल होता है, ऐसे कुछ भी हम ऐसे ऑयली चीज तलते हैं तो इन पे निकाल सकते हैं, रोटियां बिल्कुल फ्रेश रहती हैं इसमें, तो मेरे को ये अच्छा लगा तो मैं ले लिया, नंबर यूज भी करती हूँ इसे मैं, एक संगे फ्री मिला है 99 रुपीज में, वही पड़ गए हैं 2।
और ये फ्रेंड्स दो चॉकलेट वेफर्स मेरे बेटे के फेवरेट, तो ये मैंने ले लिए हैं। ये एक के संग एक फ्री था तो मैं चलो ले लेते हैं। और फ्रेंड ये मिलाई हुई एक टी शर्ट, देख सकते हैं आपको दिख रही है अच्छे से, तो ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। ये देख सकते हैं तो ये मुझे पड़ी है, ये मतलब एक्चुअली मैंने दो ली है, बताती हूँ आपको दूसरी ये है। कलर आपको अच्छा लगा? ये थोड़ा हल्का सा ना ग्रीन पे है ये कलर, डाइट ग्रीन तो ये है। तो ये मतलब वैसे तो ये 300 रुपए की एक है, पर मुझे ये दो 500 रुपए में पड़ी है क्योंकि एक के संग एक फ्री थी, तो उस चक्कर में मुझे 500 की दो पड़ गई, 250 की एक पड़ गई, तो ये मुझे पड़ गई है इस तरीके से, ये दो हैं। मैंने चलो अभी वैसे अभी सर्दी आने वाली पर भी है कुछ ना कुछ गर्मी है थोड़ी, एक अभी पहन जाएंगी पर वैसे ना पहन सकती हूँ मैं, तो ये मैं लेके आई हूँ। एक मैं लाई हूँ ये मिलाई हूँ एक लोहर, लोहर है मेरे बेटे की, ज्यादा कुछ मिला नहीं तो मैंने चलो इस तरीके से ना इसमें ये जो होता है ना एक डिजाइन बनी हुई है, काफी अच्छी सी लगी मेरे को डिजाइन। और कपड़ा ना बहुत अच्छा है, कपड़ा काफी अच्छा है इसका, मतलब मुझे बहुत सी लगी, मुझे पड़ी है 400 रुपए में, मुझे ना बहुत अच्छी लगी है कपड़ा, पता बहुत अच्छा है तो आप ले सकते हो। और थोड़ी ना मोटी भी है तो सर्दियों में इसमें ना सर्दी नहीं लगेगी, पहन सकते हैं, तो ये लाई थी मैं। तो फ्रेंड ये हो गई मेरी शॉपिंग, आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी? वैसे ये शॉपिंग कुछ भी नहीं है, मुझे भी सामान तो काफी लेना है, तो मैं अभी शॉपिंग सोच रही हूँ ऑनलाइन ही कर लूँ क्योंकि जाकर भी कोई फायदा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अभी जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखिए चल रहे हैं, तो मैंने बहुत सारा सामान मंगाया भी है, तो वो धीमे धीमे करके आने वाला है। तो मैंने साड़ी मंगाई है, एक गाउन मंगाया है, तो वो अभी धीमे धीमे करके आएगा, वहां पर शेयर कर दूंगी मैं कि मैं क्या क्या खरीद रही हूँ। तो फ्रेंड ये मेरी है छोटी सी शॉपिंग हॉल, समझ लीजिए मेरा शॉपिंग हॉल छोटा सा। तो फ्रेंड फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।